बेचनी है, कितने मिलेंगे? 7 साल। चैनल देखता है? हाँ? मेरे जैसा आदमी ऐसी ही एक खून लगी गाड़ी को यहाँ लेके आता है और सोचता है कि कुछ नहीं होगा। वो आराम से घर जाता है, टीवी ऑन करता है और क्या देखता है? डिस्कवरी। उस प्रोग्राम में पुलिस एक आदमी को पागलों की तरह ढूंढ रही है। उस आदमी के टीवी पर और उसके घर पर एक ही साथ घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है पुलिस। मुझे डिस्कवरी पे आने का शौक नहीं है भाई। तुम्हें पुलिस से डर क्यों लगता है? तुम्हारा तो लफड़ी की गाड़ी खरीदने का काम है। ए! शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। अगर ये खून तुझे गाड़ी के उस तरफ नहीं चाहिए ना, तो गाड़ी लेके निकल यहाँ से। काम मर गए। हाँ देखते हैं, फिक्स कर सकते। अरे कर लेना, वो गाड़ी वाड़ी का जरा देख लेना। ठीक है, ठीक है जी। सलाम अलैकुम खान साहब। अरे प्रेम, अरे क्या हाल है यार? बस अपना तो वही हड्डी वही खा। वो नए साहब आए हैं ना, तो बस ऐसे ही सोचा। चल मिल के आते हैं ना। हाँ चल। आदाब खान साहब। इन एरियाज में जितने भी छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं। सलाम खान, आप यहाँ? सलाम वालेकुम एसीपी साहब। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर है। शराफत से खड़ा हूँ इसलिए तुम खड़े हो, वरना यहाँ लेटे होते। Just shut up! चिल्लाओ मत एसीपी साहब, वरना गला खराब हो जाएगा। और ऑर्डर्स देते वक्त ऐसे लगोगे जैसे गूंगे भैरे की न्यूज सुना रहे। वर्दी में तो वॉचमैन भी अपने आप को कमिश्नर समझता है। पूछताछ करनी है करो, गिरफ्तार करना है तो शौक से, पर गिरेबान छोड़कर। प्रेम। यस सर। इसे बाहर ले जाओ। कोई जरूरत नहीं एसीपी साहब, तुम यहां नए हो, मेरा यहां पे बरसों का तजुर्बा है। खुदा हाफिज। खुदा। इन्हें चाय की नहीं ठंडे की जरूरत है, ठंडा पिला इन्हें।